नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। हाल ही में भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी ख़राब प्रदर्शन करके दिखाया है, जहां उनसे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो भारत को कठिन परिस्थितियों से उबार कर मजबूती प्रदान करे। वहीं उन्होंने इस श्रृंखला में भारत की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। अजिंक्य रहाणे ने अपने पूरे टेस्ट करियर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करके दिखाया है। उन्होंने इस श्रृंखला में 7 पारियां खेली और महज 104 ही रन बना पाए। इस दौरान उनके बल्ले से केवल एक ही अर्धशतक निकला था। रहाणे को लेकर पूर्व भारतीय विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने कहा था कि ओवल में खेली गई रहाणे की पारी उनके करियर की आखिरी पारी साबित हो सकती है, मगर पूर्व बल्लेबाज और क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का इस बारे में अलग मानना है। उनके मुताबिक रहाणे एक मैच विनर है और उन्हें इतनी आसानी से टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है। आकाश चोपड़ा ने अजिंक्य रहाणे को लेकर बात करते हुए कहा कि अजिंक्य रहाणे का भारतीय टेस्ट टीम उपकप्तान होने के पीछे एक बड़ा कारण है। उनको ये जिम्मेदारी इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने निरंतरता के साथ अहम मौके पर रन बनाए हैं। चाहे आप मेलबर्न में 2 शतक देखें, लॉर्ड्स में शतक या फिर लॉर्ड्स में ही 61 रनों की पारी, आप जोहानबर्ग या डरबन को देख सकते हैं, उन्होंने तब रन बनाए जब टीम खराब स्थिति में थी। हालांकि कई दिग्गजों का ये मानना है कि अगर रहाणे को भारतीय टीम में रहना है तो उन्हें घरेलू स्तर पर जाकर क्रिकेट खेलनी होगी, तभी रहाणे अपनी बल्लेबाजी को सुधार सकते हैं और इस भारतीय टीम में अपना वजूद कायम कर सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।